दोस्तों सर्वप्रथम मैं आप सभी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर इस चहचहाती सुबह में मैं अपने देश पर कुर्बान होने वाले अमर शहीदों को शत शत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये स्वतंत्रता दिवस हमें कितनी मुसीबतों के बाद मिली है? आज अगर हम देखें तो क्या हम पूर्णतया स्वतंत्र हैं? आज अगर हम अपने हक के लिए कहीं पर भी धरना प्रदर्शन या ऐसी कोई भी चीज करते हैं तो हमारी सरकारें हम पर अंग्रेजों की तरह लाठीचार्ज करती हैं। ये कैसी स्वतंत्रता है? मेरे तो नहीं समझ में आता कि कैसी स्वतंत्रता है। फिलहाल मैं आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह और भी सरदार पटेल और भी अन्य तमाम हमारे ऐसे महापुरुष, ऐसे महान योद्धा, ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिनकी बदौलत आज हम ये देख रहे हैं। और उन्होंने पूरी तरह से देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राण हथेली पर लेकर आगे बढ़ने की जो जिम्मत उठाई उनके जज्बे को सलाम करता हूं। लेकिन आज जब उनकी आत्मा इस भारतवर्ष को देखती होगी तो मेरे ख्याल से उस स्थिति को देखकर उनके भी दिल में, उनके भी मन में कराह होती होगी कि क्या हमने इसीलिए अपने प्राणों का बलिदान किया था ऐसे भारतवर्ष को देखने के लिए, जहां पर चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार देखे, जहां पे हर इंसान परेशान ही परेशान देखे, जहां पे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जहां पर शासन सत्ता कुर्सी पाने की लालच में डिवाइड एंड रूल की थ्योरी अपनाई जाती है, क्या इसीलिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया था? शायद नहीं। हमें सोचना चाहिए कि आज हमें किस तरह के भारतवर्ष का निर्माण करने की आवश्यकता है। कम से कम कुछ ऐसा किया जाए कि उन शहीदों का बलिदान व्यर्थ ना जाए। तो दोस्तों मैं बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन उनको याद जरूर कर सकता हूं। चंद लाइनें में उन शहीदों के लिए कहना चाहूंगा उनको याद करते हुए कि भले होली, दिवाली, ईद की खुशियां मनाएं हम, भले होली, दिवाली, ईद की खुशियां मनाएं हम, भले ही कामयाबी के नए सपने सजाएं हम, भले होली, दिवाली, ईद की खुशियां मनाएं हम, भले ही कामयाबी के नए सपने सजाएं हम, अगर जो चाहते हैं कि गुलामी फिर से ना आए, मिटे जो देश की खातिर, नहीं उनको भुलाए हम, नहीं उनको भुलाए हम। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी हमारे बलिदानी, त्यागी, तपस्वी, क्रांतिकारी महापुरुष इस देश की आजादी के लिए खुद को न्योछावर किए, कम से कम उनको नहीं भूलना चाहिए। जरा सोचिए क्या मंजर रहता होगा उन अंग्रेजों के शासन काल में जिन्होंने हमारे देश को 200 वर्षों तक अपना गुलाम बनाया।
कंडीशन ये थी, अगर आज के युग की बात करें तो क्या समझोगे आज के इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या होता था? क्या समझोगे कि इस दौर में अंग्रेजों के प्रताड़न का स्तर क्या था, किस तरह की प्रताड़नाएं दी जाती थी, किस तरह की यातनाएं दी जाती थी? क्या आपने देखा है कि रातों रात पूरे गांव को जला दिया जाता था और जमीने तो थी लेकिन भोजन का एक निवाला भी नहीं मिल पाता था। सूरज उगता तो था लेकिन हर घर में अंधेरा ही रहता था। ये कंडीशन हुआ करती थी। इस कंडीशन से, इस स्थिति से, इस परिस्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने, पूर्वजों ने जो संघर्ष किया, मैं उनके संघर्ष और बलिदान को पुनः प्रणाम करता हूं और बस इतना सा चाहता हूं कि उन्होंने जो भी मार्गदर्शन दिया हम लोगों को, हम उसी नक्शे कदम पर आगे बढ़े। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आज डिवाइडेड रूल की जो थ्योरी फॉलो की जा रही है, कभी किसी को हिंदू बताकर, मुसलमान बताकर, किसी को विभिन्न जातियों का बताकर, इन सभी के नाम पर राजनीति की जा रही है, घटिया राजनीति की जा रही है, जिससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। मुझे डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब की चंद लाइनें याद आती हैं। उन्होंने कहा था कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरों में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान है तो ठीक है, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, उससे पहले दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे आज भी लोग इस धरती में हैं जो चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो, उन्नति हो, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि बहुत छोटे से स्तर से लेकर बड़े स्तर तक हर जगह वही कहानी लगी जा रही, वही कहानी हो रही है। आप देखोगे एक छोटे से थाने में बापू की तस्वीर टंगी हुई है लाठी लेकर, वहां से लेकर पीएमओ ऑफिस तक आप कहीं भी चले जाओगे, किसी भी अधिकारी के ऑफिस में, हर जगह आपको बापू का चित्र मिलेगा। किस लिए लगाए हैं उसे? बापू ने क्या कहा है? क्या बापू ने कहा है कि गांधी जी ने स्वर्ग से भेजा ये संदेश, मेरा फोटो टांग कर लूट खाओ को देश? क्या इसलिए लगा के बैठे हो? अरे कम से कम अगर वो तस्वीर लगी है उसकी तो लाज रखनी चाहिए। आप छाने को रिश्वत, करप्शन और पता नहीं क्या क्या कितनी बीमारियों से ग्रसित हो चुका है हमारा आज का भारत। तो दोस्तों, इसमें युवा शक्ति को ध्यान देने की जरूरत है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा युवा आज नेता बनने की कोशिश तो करता है पर नेता की जो क्वालिटी होती है वो नहीं आ पाती उसके अंदर। एक बार विधायक जीतते हैं बेचारे और उनके कई पुश्त उसी पेंशन से खाते रहते हैं। एक बार विधायक हो जाने के बाद इनकी बिल्डिंग करोड़ों की बन जाती है, करोड़ों की गाड़ियां इनके घर हो जाती है, कहां से भैया इतना पैसा आ जाता है? सोचने वाली बात है। ये जो भी करप्शन है ये इनके द्वारा कुल मिला के ऊपर से ही
फैलाया जा रहा है और बदनाम छोटे अधिकारी हो गए। मैं ऐसे उच्च कोटि के नीच नेताओं के लिए कुछ कहना चाहूंगा। आपको याद होगा एक बार हमारे संसद भवन पर हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था। उस टाइम ये जो बड़े बड़े भाषण देते हैं ना, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, मेजों के नीचे छुपे हुए थे, इतने कायर थे। तब जाके कहना पड़ता है कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में, जो संगीने झेल रहे थे अपने घायल सीने में, तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तहखाने में। तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में, जो संगीने झेल रहे थे अपने नंगे सीने में, तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तहखाने में। हमने पांच सिर खोए थे चंद सियार बचाने में। अरे अच्छा होता अब कुछ आतंकी संसद के अंदर जाते, अच्छा होता कुछ आतंकी संसद के अंदर जाते और हमारे कायर नेता भी वो अंदर मर जाते। दोस्तों, उन कायर नेताओं के लिए मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि वो जितनी जल्दी हो सके धरती छोड़ दे। ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं है, हमारे देश को जरूरत नहीं है जो थोड़ी सी आपदा का सामना ना कर पाए और पब्लिक को बताते हैं कि हमारा सेना पता नहीं कितने इंच का है। सेना इंच से नहीं कुछ होता है, जो आपके अंदर दम है उसको दिखाना चाहिए। केवल संसद के अंदर चिल्लाने से, कुर्सियां तोड़ने से, एक दूसरे के ऊपर कागज फेंकने से कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात मेरे दोस्त, मैं आप सबको जागरूक करना चाहता हूं, किसी भी नेता की बहकावे में बिल्कुल ना आए, अपना भाईचारा बनाए रखें, क्योंकि ये काम निकलने के बाद आपको बिल्कुल नहीं मिल जाने। कोई भी किसी भी पार्टी का, ये सब के सब अब क्या कहें के बारे में, मैं इनके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि नहीं तो मेरी छवि खराब हो जाएगी, क्योंकि दो कौड़ी की राजनीति है, दो कौड़ी की राजनीति है। इन पर बहस करने का मतलब, इन पर कुछ बोलने का मतलब कि पूरा का पूरा मूड खराब हो जाता है और आदमी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके सामने हो, तो मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहता। तो दोस्तों, कहने को तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैंने एक व्यंग्य लिखा है जस्ट कुछ दिन पहले। इसमें मैंने कल्पना किया कि मैं पान खाकर थूकने की जगह ढूंढ रहा था। पान में खाता भी मैं, सनी नहीं खाता हूं, तो मेरा लहजा वो नहीं था जो मैं इससे पहले बोला। मेरा लहजा वो नहीं था, मेरा लहजा ये है, मैं हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, हंसता खिलाता गुदगुदाता रहता हूँ। बाकी राजनीति पे तो बात करने लायक कुछ है भी नहीं, क्योंकि वो तो कब की मेरे ख्याल से दम तोड़ चुकी है, बस केवल भ्रष्टाचार ही राजनीति का नजर आता है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं पान खाकर थूकने के लिए स्थान ढूंढ रहा था। ऐसी कंडीशन में एक नाली मुझे नजर आया और मैं नाली के सामने गया। तो जब नाली के सामने गया थूकने के लिए, तो अचानक एक कीड़ा मेरे सामने आ गया और उसने क्या क्या बातें मुझसे कह डाली। बस वही दिन का समय, चलिए शुरू करता हूं। खाया पान भरा जो मुंह में, सोचा थूक कहां आऊं। खाया पान भरा जो मुंह में, सोचा थूक कहां आऊं। नाली के जब पास गया तो कीड़ा बोला हट जाओ। उछल सामने आया वो और मुझे देखकर घुराया, बहुत जोर से मुझको डांटा और डांटकर समझाया।
अगर थूकना ही है तुमको, थूको उस शिक्षालय पर। अगर थूकना ही है तुमको, थूको उस शिक्षालय पर। शिक्षा का स्तर जो गिराते, थूको उस विद्यालय पर। खाते पान चबाते गुटखा बियर और सिगरेट फूकें। खाते पान चबाते गुटखा बियर और सिगरेट फूकें। बच्चों को गुमराह जो करते, ऐसे शिक्षक पर थूकें। मार रही जनता को जिंदा, उस मदिरालय पर थूकें। करे न्याय में उलट फेर तो उस न्यायालय पर थूकें। जनता का हक खा जाता, थूको ऐसे प्रधान पर। जनता का हक खा जाता, थूको ऐसे प्रधान पर। नेताओं पर प्रेम से थूको, सरकारी संस्थान पर। और थूकने की खातिर नेताओं की जनसभाएं हैं। और थूकने की खातिर नेताओं की जनसभाएं हैं। कभी तो उन पर भी थूको जो देते नकली दवाएं। उस अधिकारी पर थूको जो बात आपकी ना सुनते। रिश्वत खोर पुलिस वाला हो, उस पर क्यों तुम ना थूके। उस अधिकारी पर थूको जो बात आपकी ना सुनते। रिश्वत खोर पुलिस वाला हो, उस पर तुम क्यों ना थूके। राष्ट्रवाद के नाम पे दंगा करने वालों पर थूको। समाजवाद पे जाति का पंगा करने वालों पर थूको। बहुजन हिताय कहकर सृजन हिताय करे, उन पर थूको। बहुजन हिताय कहकर सृजन हिताय करे, उन पर थूको। और नहीं कुछ कर सकते तो थूकने में तो ना झुको। युवा शक्ति से खेल रही ऐसी सरकारों पर थूको। युवा शक्ति से खेल रही ऐसी सरकारों पर थूको। देश में रहकर नहीं देश के, ऐसे मक्कारों पर थूको। गबन किया घोटाला जो उस भ्रष्टाचारी पर थूको। आंखों में बस रहे वासना, उस व्यभिचारी पर थूको। थूकना है तो जाओ थूको थाने की धनवाही पर। थूकना है तो जाओ थूको थाने की धनवाही पर। कभी तो थूको जा करके सरकारी तानाशाही पर। इतनी सारी जगहें हैं, फिर उठा के मुंह क्यों यहां आए। इतनी सारी जगहें हैं, फिर उठा के मुंह के यहां आए। या सोचा दो चार ठीक है, उन पर छीटे ना जाए। करा दिया एहसास मुझे वो भारत की तस्वीरों से। खाली नेता फेंक रहे हैं दिल्ली की प्राचीरों से। ऐसी घुट्टी दी उसने कि ना थूकू ना निकल पाऊं। नाली के जब पास गया तो कीड़ा बोला हट जाओ। तो मेरे दोस्त, ये तो मेरी कृष्णा थी जो मैंने आपको सुनाया। लेकिन अगर सरकारी तानाशाही होती है तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हम आपकी जिम्मेदार हैं। इसलिए हम आपको बहुत ही सतर्क सावधान रहने की जरूरत है। हमें जाति में नहीं बंटना है, हमें धर्म में नहीं बंटना है। क्योंकि मेरा मानना है, और आपने जो भी ग्रंथ पढ़े होंगे, जो भी अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़े होंगे, उसमें भी ये पढ़ा होगा कि सभी मानव मात्र हैं, इंसान ही है, और मानवता से बड़ा कोई भी धर्म नहीं। इसलिए हमें अपनी धार्मिक कट्टरता, अपने जातिवाद का परित्याग करना चाहिए। तभी हम इन तानाशाही शासनों से लड़ सकते हैं। तभी हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अन्यथा हम आपस में लड़ते रहेंगे, और इसका लाभ केवल और केवल हमें आपस में लड़ाने वाले उठाएंगे। आने वाले समय में, आज मैं
की भविष्यवाणी भी कर रहा हूं, आने वाले समय में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पे कोई चंद्रशेखर नहीं। ऐसे हर घर में एक चंद्रशेखर आजाद, एक सुभाष चंद्र बोस, एक अशफाक उल्लाह खां, एक सरदार भगत सिंह की छवि जरूर मिलेगी, और वही मिलकर इस देश का निर्माण करेंगे, वही मिलकर पुनः इस देश को बदलेंगे। और आने वाले समय में बहुत सी जातियां समाप्त हो जाएंगी और अपना भारतीय समाज केवल अमीर और गरीब में बढ़ जाएगा। आज भी आप देख रहे होंगे सरकारें जो भी होती हैं वो केवल पूंजीपतियों की होती हैं, केवल पूंजीपतियों को सपोर्ट करती हैं क्योंकि वही उन्हें चुनाव लड़ने के लिए चंदा देते हैं। गरीब आदमी क्या लेगा? गरीब आदमी तो खुद ही भिक्षा का पात्र होता है कि कुछ मिल जाए हमको, सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल जाए, लेकिन उनको बेचारों को अपनी जेब, अपने घर, अपने खजाने भरने से फुर्सत नहीं, गरीब को कहां देखेंगे वो। लेकिन ये सब ज्यादा चलने वाला नहीं है, और चलते चलते कुछ लाइनें और भी मैं आपको देना चाहूंगा, और आपके माध्यम से वर्तमान और भविष्य की सरकारों तक पहुंचाना चाहूंगा। याद रख लो जुल्म का यदि और अफसाना हुआ, याद रख लो जुल्म का यदि और अफसाना हुआ, कोई बिस्मिल और भगत सिंह फिर से दीवाना हुआ। याद रख लो जुल्म का यदि और अफसाना हुआ, कोई बिस्मिल और भगत सिंह फिर से दीवाना हुआ। चंद्रशेखर की झलक जिस दिन हमें मिल जाएगी, चंद्रशेखर की झलक जिस दिन हमें मिल जाएगी, एक पिस्टल में तुम्हारी सब गलत मिट जाएगी। दोस्तों, कभी ना कभी क्रांति होनी है, आज नहीं तो कुछ वर्षों के उपरांत, आज नहीं तो कुछ समय बाद, क्योंकि बिना क्रांति के शांति नहीं मिलती है। फिलहाल मैं एक शांत, स्वच्छ और एक बेहतरीन, एक भाईचारे, एक सद्भावना युक्त भारत का निर्माण करने के लिए आप सभी देशवासियों से अपील करूंगा, और मेरी करबद्ध प्रार्थना है आपसे कि आप कभी भी जाति या धर्म के नाम पर बिल्कुल न लड़े। हाँ, देश के नाम पर मर मिट सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि हम पार्टी के नाम पर मरने मिटने की बात करते हैं। देश तो बड़े दूर की बात है। तो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपको इस 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आप पूरे भारतवर्ष में जहां भी रहे खुशहाल रहे, साथ ही साथ हमारा भारत भी अखंड हो, भारतवासियों में एकता हो, भारतवासियों में संपन्नता हो, प्रत्येक भारतवासी आपस में मिलकर रहे, भाईचारे की भावना का विकास हो, सद्भावना का विकास हो, शांति का विकास हो, और सभी का मन स्वच्छ, निर्मल और शांत रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।